नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने आए हैं SDI 550, जो कि एक 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। जानेंगे इसके सभी टेक स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके खासियत और इसके कीमत के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। इसमें आपको सिंगल पीस बोनेट देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से खुल जाता है दो गैस रॉड की मदद से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें हमें एस का खुद का डिज़ाइन किया हुआ 3066 cc का 3 सिलेंडर नेचुरल स्प्रिट इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। और ये जो इंजन है वो A50 सीरीज़ वाला इंजन है। बात करें इसके एयर फिल्टर का, तो इसमें डुअल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आता है क्लॉक इंडिकेटर के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसकी मदद से यह चोक होने के कंडीशन में आपको बताकर आपकी मदद करता है, जिससे आप इसका रेगुलर मेंटेनेंस भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। बात करें इसके कूलिंग सिस्टम का, तो इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप इसके रेडिएटर के बनावट को देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे आपको बिल्कुल ही खाली जगह दिया हुआ है, जिसकी मदद से रेडिएटर तक हवा बिल्कुल आसानी से पहुँचता है और आपके इंजन को ठंडा रखने में आपकी सहायता करता है। कूलेंट रिजर्वायर में आपको मैक्सिमम और मिनिमम की लाइनिंग दी हुई है। इसमें आप इसके लेवल को यहीं से ही चेक कर सकते हैं, आपको बार बार ये कैप खोल कर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ ऊपर से आप इस ट्रैक्टर के इंजन की पूरी बनावट को देख सकते हैं, यहाँ कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर आप इसके इंजन ऑयल फिल्टर को भी देख सकते हैं। इसमें बैटरी बॉक्स हमें ये राइट साइड में देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमें 12 वाट का बैटरी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये 42 एम्पियर के अल्टरनेटर को आप देख सकते हैं। और इसी साइड में ही आपको ये स्टार्टर भी देखने को मिल जाता है। बात करें इसके स्टीयरिंग का, तो इसमें हमें सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहां पर इसका अरेंजमेंट को देख सकते हैं। और ये दूसरे साइड के व्हील को कंट्रोल करने के लिए आपको बार देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल कंटेनर देने से यह फ़ायदा होता है कि जो इसका स्टीयरिंग है उसका परफॉर्मेंस आपको लंबे समय तक शानदार देखने को मिलता है, और इसको कम मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। जो गियर बॉक्स का ऑयल होता है उसमें डस्ट पार्टिकल आने की संभावना होता है, लेकिन अलग से सेपरेट ऑयल टैंक दे दिया जाता है तो इसमें डस्ट पार्टिकल आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होता। इसी वजह से ही इसका जो परफॉर्मेंस है आपको बेहतर देखने को मिलता है। इसमें हमें ये सेपरेट टाइप के पंप देखने को मिल जाएगा, जो कि एक स्टीयरिंग और दूसरा हाइड्रोलिक के लिए है। और यहाँ पर आप इसके बड़े साइज में हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर को देख सकते हैं। और सेपरेट टाइप का पंप देने से जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। और अगर कभी मान लो ख़राब हो गया, तो आपको सिर्फ एक ही पंप छोटा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम बैठता है। ये फ़ायदे होते हैं सेपरेट टाइप के पंप देने से। अगर इसके फ्रंट एक्सल को देखें, तो इसमें हमें एडजस्टेबल टाइप के हैवी फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसके चौड़ाई को इन होल्स के थ्रू बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें आपको ये स्क्वायर शेप में यहाँ पे बोल्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो पकड़ होता है काफ़ी मजबूती से होता है, इसमें स्लिप होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। और इसके फ्रंट में आपको ये हैवी बम्पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे ये आपको टोचन पॉइंट भी दिया हुआ है। बात करें इसके फ्यूल कैपेसिटी का, तो इसमें 55 लीटर मेटल का डीजल टैंक देखने को मिलता है, जो कि आता है दो डीजल फिल्टर और एक वाटर सेपरेटर के साथ में। गियर बॉक्स के लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको लेबलिंग प्लेट देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको अनेकों प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाता है। बात करें इसके पावर फिगर का, तो यह ट्रैक्टर 2100 इंजन रेटेड RPM पर पूरे 50 HP का पावर और लगभग 187 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर टॉर्क को आसान शब्दों में समझे, तो जिस ट्रैक्टर में जितना ज़्यादा टॉर्क होता है वह ट्रैक्टर किसी लोड को उतनी ही आसानी से खींच सकता है। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल स्टेप देखने को मिल जाएगा, इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इस पर चढ़ या उतर सकते हैं। यहाँ से आप इसके फेंडर के चौड़ाई सहित इसके फुल डैशबोर्ड और प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग को देख सकते हैं, और इसमें आपको AS की बैचिंग भी दी हुई है, और इसी में आपको ये हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। अगर इसके मीटर कंसोल को देखें, तो इसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये डिजिटल टाइप आवर मीटर भी दिया हुआ है। बात करें इसके स्विचेस का, तो इसमें एयर कैप प्रोटेक्शन के साथ में आपको पार्किंग लाइट का स्विच और ये
इंडिकेटर के लिए भी स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये हॉर्न के लिए बटन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। और ये नीचे में अगर देखें तो यहाँ पे इंजन को स्टॉप करने के लिए लीवर दिया हुआ है और इससे आप हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको इग्निशन की के लिए दिया हुआ है और इधर राइट साइड में ये रहा हैंड थ्रोटल लीवर जो कि बहुत ही स्मूथ है। राइट साइड में देखें तो यहाँ पे हमें ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर और ये पोजीशन कंट्रोल लीवर दोनों देखने को मिल जाता है। और इसमें हमें ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ मिक्स या ब्लेंडिंग कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिसको आप इन दोनों लीवर्स को ऐसे मिक्स करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसी साइड में ही ये ऑक्सिलरी वाल्व को कंट्रोल करने के लिए लीवर दिया हुआ है जो कि कंपनी फिटेड मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ पर ये हमें पीटीओ लीवर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप ये पीटीओ चार्ट को देख सकते हैं। और इसी साइड में ये नीचे में प्लास्टिक का टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अगर इसके प्लेटफॉर्म को देखें तो यह कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें हमें नॉर्मल या पुश टाइप के क्लच पैडल और ब्रेक पैडल दोनों देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये एक्सीलेटर पैडल को देख सकते हैं और इसमें हमें ब्रेक को लॉक करने के लिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसको कुछ इस तरह से ब्रेक लॉक कर सकते हैं। बात करें इसके गियर बॉक्स का तो इसमें पार्शियल कॉन्स्टेंट मैच टाइप गियर बॉक्स देखने को मिलता है जो कि आता है 1, 2, 3, 4 और रिवर्स। और इधर अगर रेंज लेवर को देखें तो इसमें हमें हाई और लो देखने को मिल जाता है, इसका मतलब इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिया हुआ है। बात करें इसके क्लच का तो इसमें हमें 280 mm के क्लच प्लेट के साथ डुअल क्लच देखने को मिल जाता है, इसका मतलब हाफ प्रेस करने से यह ट्रांसमिशन के लिए काम करता है और पूरा प्रेस करने पर यह पीटीओ के लिए काम करता है, इसी कारण इसे लाइव पीटीओ भी कहा जाता है। अगर इसके ब्रेक्स की बात करें तो इसमें हमें वेट टाइप या ड्राई टाइप के दोनों प्रकार के ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, कोई सा भी वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। इसमें एडजस्टेबल टाइप सीट देखने को मिल जाता है जिसको आप इस लीवर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लॉक की सुविधा देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके फॉरवर्ड स्पीड का तो इसमें 2.68 से 35.16 किलोमीटर पर आवर की फॉरवर्ड स्पीड देखने को मिल जाता है। और अगर रिवर्स स्पीड की बात करें तो इसमें 3.76 से 14.85 किलोमीटर पर आवर की रिवर्स स्पीड देखने को मिल जाता है। 35.16 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड होने की वजह से इस ट्रैक्टर को आप ढुलाई के कामों के लिए भी बड़े आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। पीछे से यहाँ कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग का स्टिकर देखने को मिल जाएगा और ये रहा इसका लाइट और इसमें ये प्लाउ लैंप देखने को मिलता है। और इसमें आपको ये सेफ्टी के लिए और वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए भी ये बार दिया हुआ है। और यहाँ पर ये रहा रिफ्लेक्टर और ये वेट के हिसाब से सीट को एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया हुआ है। यहाँ पर बोतल होल्डर और यहाँ पर आप ये 7-पिन कनेक्टर को भी देख सकते हैं, इसकी मदद से आप बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके डबल ऑक्सिलरी वाल्व को देख सकते हैं जो कि QRC कपलर के साथ में आता है और ये आपको कंपनी फिटेड ही मिल जाएगा। और ये इसको ऑपरेट करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको इसमें स्पूल वाल्व देखने को मिल जाएगा, इसकी मदद से आप इसको सिंगल एक्टिंग और ड्यूअल एक्टिंग दोनों में अपनी ज़रूरत के अनुसार आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का तो इसमें 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ पर आप इसके लोअर लिंक आर्म को देख सकते हैं और इसमें ये बॉक्स टाइप में स्टे बार भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर ये 3-पॉइंट सेंसिंग के साथ ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर ये रहा इसका टॉपलिंक, अगर आपको इम्प्लीमेंट को सॉफ्ट मिट्टी में चलाना है तो टॉपलिंक को ये नीचे वाले ऊपर वाले होल में फिट करना है और उससे थोड़ा हार्ड मिट्टी के लिए बीच वाले में और सबसे अधिक हार्ड मिट्टी के लिए हमेशा टॉपलिंक को ये नीचे वाले होल में ही लगाएं। और इम्प्लीमेंट को रोड पे लाते ले जाते समय भी आपको टॉपलिंक को हमेशा ये नीचे वाले होल में ही लगाना चाहिए, इससे क्या है जो ये सेंसर है इसकी सेंसिविटी बरकरार रहती है और आपको लंबे समय तक बेहतर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा। बात करें इसके पीटीओ का तो इसमें 34 किलोवाट का 6 स्प्लाइन पीटीओ देखने को मिलता है जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड स्पीड और रिवर्स पीटीओ के साथ में। अगर इसके हिच को देखें तो इसमें हमें एडजस्टेबल टाइप हिच देखने को मिल जाता है जिसको आप इन होल्स के थ्रू बड़े आसानी से अपने ज़रूरत अनुसार इसके हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बात करें इसके रियर एक्सल का तो इसमें हमें डायरेक्ट टाइप का रियर एक्सल देखने को मिल जाता है। बात करें इसके टायर साइज का तो इसमें 7/50/16 के बड़े फ्रंट टायर और 16/9/28 के रियर टायर देखने को
मिल जाता है। और यहाँ पर आप इसके रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। बात करें इसके डायमेंशन का, तो इसका वेट 2010 kg और जो इसका व्हील बेस है वो 1960 mm और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3660 mm और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 1830 mm देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो हाइट है साइलेंसर सहित वो 2300 mm का है और इसमें हमें काफ़ी खूबसूरत 430 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप इसके नीचे की बनावट को देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। बात करें इसके वारंटी का, तो इसमें 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाती है। बात करें इसके ऑयलिंग कैपेसिटी का, तो इसमें 9 लीटर का इंजन ऑयल और ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक के लिए 58 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ता है और इसके स्टेयरिंग के लिए 1.5 लीटर का ऑयल अलग से यूज़ करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ सुनाते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। जैसा कि ये रहा इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इतने सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है SDI 555 में। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।